क्रिकेट की बमचक इज प्रेजेंटेड बाय हाउस एट इन एसोसिएशन विद 5paisa.com। राजस्थान रॉयल्स को आखिरकार जीत मिली गई। लगातार दो मैच हारने के बाद संजू सैमसन की टीम ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हरा ही दिया। चल दूसरा कुछ तो लगा उसकी। अरे दूसरा हद दे। हाउस एट पे बनाओ यूवी से बेटर टीम। ओए ओए क्या कर रहा है? तेरी टीम चेक कर रहा हूँ। छोड़ यार। और जीतो 5 गुना रिवॉर्ड्स। तो बेटा हाउस एट हाउस एट। दिस गेम इन्वॉल्व फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव। प्लीज प्ले रिस्पांसिबली एट योर ओन रिस्क। वानखेड़े में खेले गए इस लो स्कोरिंग मैच में संजू ने टॉस जीत कर पहली बॉलिंग का फैसला किया और ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस ने उनके इस फैसले को सही साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मॉरिस ने 4 विकेट लेते हुए केकेआर को 133 रन पर ही रोक दिया। जवाब में राजस्थान ने सिर्फ 4 विकेट खोकर मैच अपने नाम कर लिया। राजस्थान के लिए कप्तान संजू सैमसन 42 रन बनाकर नाबाद लौटे। मैच के बाद इन दोनों ही प्लेयर्स ने स्टार स्पोर्ट्स से बात की। स्टार से बात करते हुए संजू ने कहा, असल में ये कमाल का मुकाबला था। बोलर्स पिछले 4-5 मैचों से अच्छा कर रहे हैं, यंगस्टर्स भी और सीनियर्स भी। मैं उनकी कप्तानी करने का लुत्फ उठा रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि हम मॉरिस की आंखों में साफ देख सकते हैं कि हम बड़े बल्लेबाजों को आउट करने में कंपटीशन चाहते थे। मेरे सोचने का तरीका साफ है, मैं किसी माइंडसेट के साथ नहीं आता। मैं सिर्फ अपनी बैटिंग का लुत्फ लेना पसंद करता हूँ, लेकिन आजकल मैं हालात के हिसाब से बैटिंग करता हूँ और अपनी टीम के लिए गेम्स जीतना चाहता हूँ। इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए मॉरिस ने मैच के बाद कहा, मेरे लिए सिर्फ एक क्लियर माइंडसेट काम करता है। आज का विकेट बैटिंग के लिए आसान नहीं था, जैसा कि आपने दोनों ही पारियों में देखा। जाहिर है कि स्टोक्स, आर्चर, लिविंगस्टन का जाना बड़ा नुकसान है, लेकिन अभी भी हमारे पास सही व्यक्ति है। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि वो कौन है। कोविड-19 से जूझ रहे लोगों के बारे में बात करते हुए मॉरिस ने कहा, हम खुशनसीब हैं कि अभी हम क्रिकेट खेल पा रहे हैं। मैं ऐसी दुआ करता हूं कि हालात बदलें। हम क्रिकेट के जरिए लोगों को खुशी देना चाहते हैं। आंद्रे रसल को IPL में 4थी बार आउट करने पर मॉरिस ने कहा, दिरिरस के खिलाफ गेंदबाजी आसान नहीं होती। जैसा मैंने कहा, उन्होंने पिछले गेम में अच्छा प्रहार किया था। उनके खिलाफ खेलने का अनुभव मेरे काम आया। उम्मीद है कि स्क्वाड से अभी काफी कुछ अच्छा आना बाकी है। हम आगे भी लड़ते रहेंगे। KKR को हराने के बाद अब RR की टीम IPL टेबल में 6थे नंबर पर आ गई है। टीम का अगला मैच 29 अप्रैल को मुंबई इंडियंस के खिलाफ है। इस बीच निवेश करना हुआ आसान। 5 मिनट में अपना DMAT अकाउंट ओपन करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से 5paisa ऐप डाउनलोड करके। अब बात कुछ एक्स्ट्रा इनकम की करते हैं। 5paisa ऐप डाउनलोड कर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, IPO और गोल्ड में। ये खबर आपके लिए लिखी है सूरज ने, कैमरे के पीछे राशिद और मैं मेघा। आप देखते रहिए दी ललन टॉप।